देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। सतना में SC/ST बिल के विरोध में सर्व समाज लगातार विरोधाभास कर रहा है। इसी के चलते शुक्रवार को उंदेली के सतना पैलेस में आगामी कार्य योजनाओं को लेकर सर्व समाज द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 18 तारीख को मुख्यमंत्री के सतना आगमन पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान उपस्थित सर्व समाज के लोगों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा जनहित की अनदेखी की गई और उनके द्वारा SC/ST काले कानून पर किसी प्रकार का विरोध नहीं जताया गया, जिससे सर्व समाज के लोग आहत हैं, जिसका वो मुख्यमंत्री के 18 तारीख को होने वाले कार्यक्रम पिछड़ा वर्ग हितग्राही महासम्मेलन में आने पर पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने आगामी 16 सितंबर को सांसद के घर को भी घेरने का निर्णय लिया है। बैठक में प्रमुख रूप से अरुण तिवारी सहित भारी संख्या में सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। इसमें हमारे पूरे देश में जो ये बिखराव किया जा रहा है, हम लोगों को गांव मोहल्ले में बांटा जा रहा है, नेता जो हमारे समाज के बैठे हुए हैं, इन्होंने ये इस गंदे कानून के पीछे आवाज़ नहीं उठाई। हम लोग यहाँ से भेजते हैं उनको कि आप सामाजिक समस्या बनाने का काम करेंगे, आपस में भाईचारा स्थापित करेंगे, मगर ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम लोगों को का बंटवारा कर रहे हैं। और ये गलत कानून का किसने विरोध नहीं किया, इसका हम विरोध दर्ज करेंगे। 16 तारीख को सांसद जी के घर का घेराव करेंगे, पूरा सर्व समाज घेराव करेगा। इसके बाद 17 तारीख को कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन देने जाएंगे कि जो अभी 6 तारीख को ज्ञापन दिया गया उसमें क्यों कार्रवाई नहीं की गई। और 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी आएंगे, मुख्यमंत्री जी के सामने हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ ना आए, और जो अभी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के नाम से स्वामी जी लोगों को बुलाकर यहाँ पर वो किया, क्यों नहीं दलितों से करवा रहे पूजा पाठ? स्वामी जी लोगों से हम लोग सब लोग जाके पूरे शिष्टमंडल सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग इसमें न पधारे, नहीं तो हम लोग भी आप लोगों का भी बहिष्कार करेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।